आप देख रहे हैं शहाब टीवी, मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिद। तेज और अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। खबर आई है यूपी के लोनी से, जहां पर नवरात्रि के जो मुकद्दस त्यौहार चल रहा है हिंदू भाइयों का, उस मौके पर लोनी के जो मकामी MLA हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने जबरन वहाँ पर जाकर गोश्त और बीफ की दुकानें बंद करवा दी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि नवरात्रि के चलते मांस बेचना राष्ट्रद्रोह है, इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। और जबरन आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह उन्होंने जाकर धमकी देते हुए जो वहाँ पर चिकन की और जो मटन की दुकानें हैं उन्हें जबरन बंद करवा दिया है। ये हुआ है यूपी के लोनी में, जहाँ के BJP MLA नंद किशोर गुर्जर ने ये कहकर दुकानें बंद करवाई कि नवरात्रि के मौके पर मांस बेचना राष्ट्रद्रोह है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह के मामला चल रहे हैं देश में, कैसा वातावरण बनता चला जा रहा है। कि जाहिर सी बात है, अगर दुकानें खुली हुई हैं तो उन्हें सरकार ने लाइसेंस दिया होगा, उनके पास तमाम कागजात होंगे और परमिशन के बाद ही वो दुकानें चला रहे होंगे जहाँ पर चिकन या मटन बेचा जा रहा होगा। लेकिन इनका अपना कानून है, ये अपना कानून लेकर चलते हैं। और यही मामला BJP का है, जहाँ जहाँ BJP शासित जो राज्य हैं वहाँ पर इस तरह के वाकयात देखने मिलते हैं। लेकिन इस वक्त UP कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है ऐसी खबरों को लेकर। और एक फिर ये खबर आ गई है कि वहाँ पर लोनी के जो विधायक हैं MLA हैं, उन्होंने जाकर जबरन दुकानें बंद करवा दी मांस की, मटन की, और ये कहा कि नवरात्रि के मौके पर मांस बेचना राष्ट्रद्रोह है। अब देखना ये कि इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाते हैं। दूसरी अहम खबर भी यूपी से ही है। अभी हाल ही में बलिया में जो गोलीकांड हुआ था और वहाँ जिस तरह के मामला पेश आए थे, उसे लेकर बलिया और पूरा उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा, खबरों में रहा। कल एक प्रेस वार्ता में जब बलिया से ही ताल्लुक रखने वाली एक पत्रकार ने योगी जी को पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं दी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आपको भी मुबारक हो और आपके बलिया वासियों को भी मुबारक हो। उस पर उन्होंने एक जुमला कसा कि अब तो बलिया का नाम लेने से ही डर लगता है। इस जुमले पर वहाँ मौजूद तमाम लोग, मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग ठहाके लगाने लगे, कहकहे लगाने लगे। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग इसको देख कर आश्चर्यचकित हैं, लोग हैरतजदा भी हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक सूबे का मुख्यमंत्री, जहाँ पर दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, अपराध की शरह बढ़ती चली जा रही है, जुर्म की शरह बढ़ती चली जा रही है, और वो इस तरह से कैसे हंस सकता है, कैसे कहकहा लगा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी अपने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संजीदा नहीं है। एक अहम वीडियो आई है आसाम से, जहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट हैं, कोरोना के मरीज हैं, उनका दिल बहलाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर डॉक्टर अरूप सेनापति ने उनके सामने, आप देख सकते हैं कि PPE किट में है लेकिन वो रक्स कर रहे हैं, डांस पेश कर रहे हैं ताकि उनका दिल बहले, उनका मनोबल बढ़ जाए, उनकी जो खुशी चाहते हैं वो खुशी उन्हें मैसर हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह आसाम के डॉक्टर अरूप सेनापति ने अपने मरीजों को का दिल बहलाने के लिए रक्स पेश किया। एक अच्छा जज्बा उन्होंने दिखाया है ताकि ये जो कोरोना के मरीज हैं, जो बहुत हद तक बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई हुई है, उनका हौसला बढ़ाया है। इस तरह के वीडियोज़ के लिए देखते रहें।